करेंगे कि आपका जो असेंडेंट है, आपका जो ये मालिक है, ये आपका स्ट्रॉन्ग है या नहीं, यह कैसे हम पता लगाएंगे? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग है या नहीं इसका तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो अंत तक देखिए। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट में वह वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे बताया था कि असेंडेंट लॉर्ड कब वीक होता है। तो उस वीडियो के पश्चात आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग कब होता है, और हमने आपको कहा था किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारी वेबसाइट के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने चार्ट शेयर कर सकते हैं। लग्न चार्ट, एक क्वेश्चन 60 दिन में कोशिश की जाएगी कि आपको रिप्लाई किया जाए, लेकिन आपको अपनी विषमोत्तरी दशा भी वहाँ पर शेयर करनी है और धैर्य बना के रखना है। हमारे लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो कन्या पक्ष हो या वर पक्ष हो, मेल हो फीमेल हो, तो किसी के साथ किसी भी प्रकार डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है, तो इस बात को नोट कर लीजिए। चलिए, अब जिन जिन घरों पे मैं टिक मारूंगा, अगर आपके लग्न, यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, और उस लग्न का जो मालिक है, आपको पता है कि 1 से लेकर 12 नंबर होते हैं और हर एक नंबर का कोई ना कोई मालिक होता है। जो वीडियो देख रहे हैं, जिनको नहीं पता है प्लेलिस्ट सेक्शन को देख सकते हैं। चलिए, अगर आपके लग्न का मालिक आपकी कुंडली के दूसरे घर में जाकर बैठ गया हो, पहला कंडीशन ये, तो हम कह सकते हैं कि आपका वह घर जो है वह स्ट्रॉन्ग है। उसमें हम कह सकते हैं कि वह जो घर है आपका स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके चार्ट में लग्न का मालिक जाकर आपके द्वितीय भाव में बैठ जाए, एक कंडीशन ये, या फिर अब बैठ रहा तो है लेकिन कुछ अंश भी होते हैं, वो अंश को मैं बाद में बताता हूँ। चलिए, या फिर आपकी कुंडली का लग्न का मालिक आपकी त्रिकोण पंचम भाव में, क्योंकि ये भी शुभ स्थान होता है, या फिर आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठ जाए, ये भी शुभ स्थान होता है। अगर इन भावों में बैठा हुआ है तो हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ अगर लग्न का मालिक अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठा हो, आपकी कुंडली के दसम भाव में बैठा हो, और आपकी कुंडली के 11वें भाव में बैठा हो, और सप्तम भाव में भी बैठा हो, तो हम कहेंगे कि आपके लग्न का मालिक स्ट्रॉन्ग है। परंतु स्ट्रॉन्ग तो आपको पता लग गया कि भाई हमें पता लग गया हमारे लग्न का मालिक स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में बैठा हुआ है। चलिए, अब जब आप हमसे बात करते हैं, जब आप हमसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, चैट, या फिर जब कंसल्टेंसी लेते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ भाई हाँ बैठा स्ट्रॉन्ग है, आप भी मानते हैं, लेकिन आप मेरी दूसरी बात को नहीं मानते जब हमारे एस्ट्रोलॉजर आपसे कहते हैं जी इसकी जो डिग्री है वो कमज़ोर है इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आप फोर्स करते हैं नहीं स्ट्रॉन्ग है। तो हमारी बात को भी समझिए, ये प्लेसमेंट तो अच्छी हुई, जिस तरीके से राजयोग और धन योग में जातक कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। अगर इन घरों पर बैठे हुए हैं और जो भी प्लैनेट है, जो भी आपका लग्न है, अगर उसकी डिग्री, मैं नॉर्मल बता दे रहा हूँ उसको नोट के लिए, 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के बीच में बैठा हुआ है, और डिग्री कौन सा इसमें सूक्ष्म होता है, कौन सा युवावस्था में, बाल अवस्था में, मृत अवस्था में, युवावस्था में होता है, ये सारी वीडियो अलग से प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे मत पूछिएगा। तो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर आपका प्लैनेट, अगर आपका लग्न का मालिक 10 से 22 डिग्री के अंश पर बैठा हुआ है, मान लीजिए 11.25, 15.6 या फिर 17.21, ऐसे किसी अंश पे बैठा हुआ है, अर्थात 10 से 22 के बीच में, तो हम उसे कहेंगे कि वो प्लैनेट जो है आपका स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर 10 से छोटा है, 10 से छोटा है डिग्री उसकी, 10 से मान लीजिए 8 है, 9 है, 7 है, तो उसे हम इन्फेंट कहते हैं, छोटा कहते हैं, मैच्योर नहीं कहते हैं, बाल अवस्था में कहते हैं। और अगर वो बड़ा है 22 डिग्री से ज़्यादा अंश है, तो उस केस में हम कहते हैं वो बुजुर्ग है, मृत अवस्था में है, वीक अवस्था में। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ लग्न को ही ऐसे नहीं देखा जाता, यह आप किसी भी घर में सेम लॉजिक आप अपनाइए, किसी भी घर में, जिस घर में अगर आपको सेकंड घर का देखना तो उसके घर पे सेम अप्रोच अपनाइए, पंचम भाव को देखना है सेम अप्रोच, छठे भाव को देखना, सभी को इसी तरीके से आपको देखना है, तभी आप बता पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है, अगर आपके लग्न का मालिक आपके चार्ट में दूसरे में त्रिकोण में केंद्र में बैठा है और डिग्री 10 से 22 अंश के बीच में है, तो हम उसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कहते हैं। और जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी तो आपको वह अच्छे रिजल्ट उस घर से, उस भाव से संबंधित अवश्य देगा। लेकिन अगर वो कमज़ोर है तो आपको दशा अंतरदशा में वो फल नहीं मिलेगा, फल मिलेगा लेकिन उसकी जो एबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, वह कम होगी। तो इस चीज़ को आपको नोट करके आगे चलना है।
आने वाली वीडियो में हम और भी देखेंगे लग्न लॉर्ड के बारे में। अभी तो आपको हमने बता दिया स्ट्रॉन्ग कैसा होता है, वीक कैसे होता है। सबसे सिंपल तरीका है किसी भी घर में, चाहे डिविजनल चार्ट्स पे लगा लीजिए, कहीं भी अप्रोच लगा दीजिए, सेम ही तरीका आप अपनाएंगे और सेम ही तरीका। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, लेकिन आप कई बार ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, किसी के ब्लॉग पे पढ़ लेते हैं, उसको वेरीफाई नहीं करते, उसी को आप कंठ कर लेते हैं और बाद में आप आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो इससे आप निंदा तो करते ही करते हैं, अपने जिनसे आप पूछ रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं, तो गुरु निंदा भी एक दोष होता है। तो इसलिए पहले उनकी बातों को समझें और अपने तथ्य को उनके साथ शेयर कीजिए कि मैंने ऐसा पढ़ा था, इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। तो बचपना मत दिखाइए, थोड़ा सा मैच्योर बनिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक मैच्योरिटी निकालना, एक अच्छी चीज़ों को ध्यान से समझना। तो आज यहाँ पे इजाज़त दीजिए, पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय शनिदेव।